चंदौसी में खाद्य विभाग ने ईद के त्योहार के मद्देनजर चलाया चेकिंग अभियान, लिए सैंपल। आपको बता दें, कुछ ही दिनों बाद ईद का त्यौहार आने वाला है, जिसको लेकर खाद्य विभाग भी सतर्क हो गया है। इसी के तहत आज चंदौसी में खाद्य विभाग ने मोहल्ला जारे गेट में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत खाद्य विभाग ने फैनी के सैंपल लिए। इस विषय में खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि ईद के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह अभियान चलाया है, जिसके तहत फैनी व खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। और फैनी व खाद्य पदार्थों में कोई भी सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं करा रहा है, इसकी जाँच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ईद के त्यौहार पर फैनी व खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ जाती है, जिससे मिलावट होने की आशंका बनी रहती है। इसी को लेकर विभाग सतर्क है। हमने कुछ दुकानदारों के सैंपल ले लिए हैं और उन सैंपल को जांच के लिए भेजा जा रहा है। आगे की कार्यवाही जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। अगर कोई भी दुकानदार दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्या कहेंगे, रमजान का महीना चल रहा है, इसमें रोजेदारों को सही खाने पीने की चीज़ें मिल सकें, इसके लिए आज हमने फैनी का नमूना लिया है। इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिली है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसका नमूना दो जगह से लिया गया है, उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की। आज आपने कहाँ कहाँ पर चेक किया है? ये आज हमने जारही गेट में ही दो दुकानों को चेक किया है। जारही गेट के अंदर ईद तक अभियान जारी रहेगा, ये ईद तक अभियान रहेगा और निरीक्षण सैंपलिंग ये लगातार कार्य किया जा रहा है।